हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ फुल टास्क तैयारी चल रही होगी। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम धज्जियाँ उड़ाएंगे मिसिंग नंबर की, जो कि लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में आती हैं। पहला चैलेंज है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले कॉलम में तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 7 14 14, और 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसमें देखें, 7 3 21, यहाँ पे 4 नहीं 8 है, करेक्शन करना भूल गया, 7 3 21 और 21 8 168, ठीक है। तो इन तीनों का जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब इससे जो है 9 और 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 216 को जब हम 9 और 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से डिवाइड करिए, 9 2 18 और 9 4 36, और 8 से करिए, 8 3 24, तो आपका 3 आंसर हो गया, ठीक है। लगे रहिए, फटाफट आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न, दूसरी डोज है, जल्दी से फटाफट लगे रहिए, बताइए आंसर क्या होगा। दूसरे प्रश्न में 18 को 3 से डिवाइड करने पर 18/3 जो भी आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई बीच वाले कंटेंट से हो जा रही है और ये आपका परिणाम आ रहा है, 3 6 18 और 12 6 72, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड रो में देखें, 32 को जब 4 से भाग दिए 8 आया, ठीक है, और 8 और बीच वाले कंटेंट से हम गुणा किए तो आपका 128 आ गया। तो यही रूल आप लगाएं सेकंड में, 24 को जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह एक्स मान लें से भाग देंगे और बीच वाले कंटेंट से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 112। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 से इधर काट दीजिए 8, बीच में बराबर लगा हो तो अंश को अंश से हम भाग दे सकते हैं और हर को हर से भाग दे सकते हैं, और 8 से इसको काट दीजिए, 8 3 24, तो आपका 3/x = 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे लगाइए क्वेश्चन को, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है, सोच समझ कर लगाएं, बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट रो में 25 और 15 को जोड़ा गया है, कितना हुआ, 40, ठीक है, लेकिन उधर 49 है टोटल, तो उसमें आप 9 जोड़ दीजिए, 25 और 15 40 प्लस 9 आपका कितना हो गया, 49 हो गया। इसी तरह 17 और 35 को जोड़ेंगे, 5 7 12, 3 1 4 1 5, प्लस 52 + 9 = 61 आया, तो इसी तरह आप इसको जोड़ दीजिए, 8 3 11 2 2 4 1 5, और उसमें 9 जोड़ दीजिए, आपका 60 आंसर आएगा, दूसरा सही है, ठीक है। ज़बरदस्त एनर्जी लगानी है आपको हर प्रश्न में, जोश में होश नहीं खोना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा, लगाइए पूरी एनर्जी अपनी, क्या लॉजिक लगेगा। पहली रो में 5 + 1 + 3 + 7, 5 1 6 3 9 7 16 आ रहा है टोटल। दूसरी रो में भी देखिए क्या आ रहा है, 6 2 8 4 12 4 16, मतलब टोटल सबका 16 ही है, तो 7 2 9 1 10, 3 का टोटल 10, 16 में से 10 घटा दीजिए, आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चैलेंज है आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा।
चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट कॉलम में जो सबसे लास्ट वाला आपका कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। तो 20 × 60 नहीं आया, 60 में 20 जोड़ दीजिए, 20 × 3 + 20, तब जाके ये आया आपका 80। थर्ड में चेक करिए, 12 × 8 = 96, उसमें 20 जोड़िए तो आपका 6 × 9 = 11। तो यही रूल इसमें लगा दीजिए, 30 × 4 = 120, और उसमें 20 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ गया, 20 × 60 = 80, 12 × 8 = 96 + 20 = 116, तो ये आपका हो जाएगा 30 × 4 = 120, और उसमें 20 जोड़िए 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली डोज बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा आंसर? तो इसमें जो है फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में 72 और 24 का जो आधा है वो 12 हुआ, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड में चेक करें, सेकंड में हम चेक करते हैं, 96 + 16/2, ठीक है, 96 / 16/2, तो ये आपका 8 आया, और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। तो थर्ड में भी यही आप लगाएं रूल, 108 को डिवाइड करना है मिडिल कंटेंट से, एक्स मान लेते हैं उसके आधे से डिवाइड करना है तो हमारा आएगा रिजल्ट 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन को ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तब आपका जल्दी लगेगा। भाग को गुणे कर देंगे तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, काट लीजिए इसको, 18 × 6 = 108, ठीक है, उधर 1 बचा, अब ये 6 × 12 / x = 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = 12 आंसर आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बीच में बराबर हो तो आपका अंश और अंश कटेगा और हर कटेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी। वैकेंसी आ गई है लेखपाल की, मेहनत करते रहे आप सब लोग। अगला मसाला है आपके सामने, बताएं आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, 56, फर्स्ट में थर्ड माइनस करिए, 56 में 44 माइनस हुआ तो कितना आया, 12 आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखें 78 में 48 घटाया तो आपका 30 आ गया, इसी तरह 65 में आप 14 घटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, 6 में 1 गया 5, 51 आपका आंसर आ गया, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अपने खूंखार दिमाग का प्रयोग करें, पहले कॉलम में पहले और दूसरे का जो भागफल है 24/4, उसको आप थर्ड कंटेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
इसको चार से भाग देंगे, छः, छः छके 36। इसी तरह दूसरे में 32 को चार से भाग देंगे, 8 आएगा और 8 छंग 48। तो थर्ड में आप उसका यूज़ कर लें, 40 भाग 8 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 25। 8 पंचे 40, 5 आएगा, 5 गुणे x बराबर 25, 5 से काट दें, 5 पंचे 25, बीच में बराबर है तो अंश अंश कटेगा, x बराबर 5 आपका आंसर आ गया, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला चैलेंज आपके सामने है, दिमाग की नली खोलिए, जल्दी से प्रश्न सॉल्व करें। प्रहार करें जल्दी से, शिकार आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करें, क्या होगा। पहले कॉलम में देख रहे हैं आप कि कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 4 और 8 और 16, 4 और 8 और 16 की मल्टीप्लाई करें, 4 गुणे 8 गुणे 16, ये इसमें से अगर 8 इंटू 2 कर लें तो ये 2 जाके यहाँ 4 में 8 हो गया, मतलब 3 8 हो गया, 8 का क्यूब बन गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे कॉलम में 8 8 का क्यूब बन गया, ये तीनों को मिला के प्रोडक्ट, 8 गुणे 12 और गुणे 18, ये 12 का क्यूब बनना चाहिए, ठीक है, बन रहा है क्या चेक करें, 12 का क्यूब, 12 तो ये ऑलरेडी है ही है, और 4 दूना 8 यहाँ से हो जाएगा, और आपका 6 तियाँ इसको कर दीजिए, ठीक है, तो 4 और तियाँ 12 ये हो गया, और 6 दूना 12 ये हो गया, और 12 ये ऑलरेडी था, 12 का क्यूब बन गया ना। इसी तरह थर्ड में लगाएं वो किसका क्यूब बन रहा है, थर्ड 8 गुणे 16 गुणे 32। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 8 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 512 आएगा 8 का क्यूब, 8 12 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 1728 आएगा 12 का क्यूब, और इन तीनों में अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या तो इसको आप 16 गुणे 2 लिख लीजिए, और 2 यहाँ 8 में प्रोडक्ट होके 16 बन जाएगा, और 16 ये और 16 ये, 16 का क्यूब बन गया, 16 आंसर आपका आ गया, ठीक है। अगला चैलेंज आपके सामने है, सॉल्व करें, सूरवीर, आप सभी सूरवीर हैं, ऑफिसर्स हैं, पहले से ही फीलिंग लाइए कि हम ये हैं, ठीक है, तभी उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। जल्दी से सॉल्व करें, पहले कॉलम में 93 जो है वो इन दोनों का टोटल है, 7 6 13 5 3 8 1 9, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें भी 199 जो है इन दोनों का टोटल है, तो 961 भी इन दोनों का टोटल होगा, इसमें से केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका 17 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला शिकार, वार करें जल्दी से, क्या लॉजिक लग रहा है, अपने शार्प दिमाग का प्रयोग करें। पहली रो में आप देख रहे हैं 12 गुणे 13 का प्रोडक्ट है ये, ठीक है, और थर्ड रो में भी 15 तिया 45, 15 एकम 15 चार 19, ये भी प्रोडक्ट है, तो 14 और क्वेश्चन मार्क का ये प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट को फर्स्ट फैक्ट से डिवाइड कर दीजिए, 14 एकम 14
11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न परास्त करें जल्दी से अपने प्रतिद्वंदी को, बताएं क्या आंसर होगा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं पहले कॉलम में ये आपका बेस हो गया, इसको पावर बना दीजिए, 6 का क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। उसी तरह 2 का पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा, तो 7 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 49 होगा। 7 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 49 होगा, और 49 7 का स्क्वायर होगा, तो बेस आपका मैच कर रहा है, तो पावर जो है बराबर होंगी, क्वेश्चन मार्क बराबर 2 आ जाएगा, आपका थर्ड आंसर सही है। अगला चैलेंज आपके सामने है, जल्दी से बताएं, अपने शार्प दिमाग का प्रयोग करें, क्या आंसर होगा। इसमें आप देखें 12 × 3 और × 2 × 4, चारों की आप गुणा करें, 12 × 36, 36 × 144, 144 को 2 से गुणा करेंगे 288 आ रहा है। इसमें भी देखें 8 × 9 = 72 और 72 को 4 × 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 288 ही आएगा। इसमें भी चारों का जो प्रोडक्ट है वो 288 आना चाहिए। ठीक है, तो 288 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 288 इन चारों का प्रोडक्ट है, तो 3 × 8 × 6 से डिवाइड कर दें, जो भी आपका भागफल आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, 8 से कैंसिल करें, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, 6 से कैंसिल करें, 6 × 6 = 36, 3 से करें, 3 × 2 = 6, 2 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताएं क्या आंसर होगा, जल्दी से वार करें। इसमें फर्स्ट कॉलम में आप देखें 5 का स्क्वायर, जो सेकंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट इसमें जोड़ देंगे, तो 25 × 14 आपका 39 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट जो आया, रिजल्ट आया वो आया। ठीक इसी तरह दूसरे कॉलम में 3 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और थर्ड सेकेंड, 4 × 2 = 8, तो 9 × 8 कितना आ गया, 17। इसी तरह आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 और 6 का प्रोडक्ट 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 11। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। एक मिनट, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 6, 25 + 6 = 31 आएगा, मैंने स्क्वायर नहीं किया था। अगला चैलेंज आपके सामने है, जल्दी से जवाब दें क्या आंसर होगा। सूरवीरों जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। फर्स्ट रो में जो है 7 और 7 का प्रोडक्ट होगा 49, इसके अंकों का इन्वर्स कर देना है, 9 × 4 हो जाएगा आपका, ये देखिए आ गया। इसी तरह 6 और 8 का प्रोडक्ट 48,
इसका इन्वर्स कर देंगे डिजिट का, 84 आ गया। इसी तरह 11, 99 तो उसमें तो दोनों डिजिट सेम है, आपका 99 ही होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दें, परास्त करें अपने शत्रु को। इसमें आप देख रहे हैं 93 सबसे बड़ा है और 3 सबसे छोटा है, मतलब 93 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा और 3 जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो 93 में से 27 और 63 के योगफल को ज़रा आप घटाएं, 93 में से घटाना है 27 और 63, 7, 3, 10, 6, 2, 8, 1, 9, 27 और 63 का टोटल 90, 93 में घटाएंगे 3, 3 आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह दूसरे में चेक करें, 79 में से आप घटाइए 38 और 37, 7, 8, 15, 3, 3, 6, 1, 7, 4 आ गया। तो इसी तरह 67 में इन दोनों का आप टोटल घटाएं, 67 में 6, 2, 8, 4, 1, 5, 9, 8, 17, 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला चैलेंज आपके सामने है, जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन होगा। इसमें दो सीरीज चल रही है, एक 5, फिर एक छोड़ के 6, एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 8। ठीक है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी सीरीज चल रही है 2 के बाद 4, जो कि 2 का स्क्वायर भी है, 2 गुना भी है। आगे देखें, 4 इधर 2 गुना हो गया, तो उधर 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताएं जल्दी से क्या होगा, लगाएं अपना खुराफाती दिमाग, जल्दी से आंसर बताएं। एनर्जी का सही जगह प्रयोग करें, एनर्जी तो बहुत है हम लोगों के पास, सही जगह प्रयोग करेंगे तो सही रिजल्ट प्राप्त होगा। इसमें 56 और 15 को टोटल करके के टोटल में 22 और 8 का टोटल जोड़ें, घटाएं। 56 और 15 का टोटल 6, 5, 11, 5, 1, 6, 1, 7, 22 और 8 का टोटल 30, कितना आया, 41 आया, जो कि आपका रिजल्ट है इसमें। इसी तरह 46 और 9 का टोटल 55, और उसमें से घटा देंगे 10 और 6 का टोटल 16, तो 9, 6, 15, 4 में 1, 3 आपका 39 आ गया। इसी तरह 34 और 11 के टोटल में 14 और 6, 20 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा, वही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। लगाइए अपना खोपड़ा, यूज करिए अपना दिमाग, जल्दी से आंसर बताएं। परास्त करें अपने शत्रु को। इसमें चारों तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं, 1, 4, 5 और 5, 3, 8 और 8, 2, 10, 10 का 3 गुना है 30। सेकंड में चेक करें, प्रोडक्ट का 3 गुना हो जा रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12, 2, 14, 14, 3, 42। तो इसमें भी करिए, 6, 5, 11 और 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 54 आपका ए आंसर है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, परास्त करें अपने शत्रु को, सफलता हासिल करें, खेल खत्म। लेटर का यूज है इसमें, इसमें आप देख रहे हैं बी जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2, जो कि यहां लिखा हुआ है, और एन
n का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14, तो दोनों मिला के 214 हो गया। तो इसी तरह जो 9 लिखा हुआ है, 9 का 9 किसका प्लेस वैल्यू है i का, और 18 किसका प्लेस वैल्यू है r का, तो यहाँ r आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। कैसा लगा दोस्तों आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।